हेलो दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं एक बिस्किट की नई रेसिपी बनाने। तो हम उसके लिए 2 पैकेट बिस्कुट ले लेंगे। आप कोई भी बिस्कुट ले सकते हैं। वैसे हम ब्राउन कलर के ही बिस्किट लेंगे तो हमारी चॉकलेट का कलर अच्छा आएगा। उसमें हमें कोको पाउडर नहीं मिलाना पड़ेगा। तो हम उसके लिए जैसे ब्लैक फॉरेस्ट हो गई, डार्क फंटासी हो गई, हैप्पी बिस्किट हो गई, इसी तरह की बिस्किट्स हम ले लेंगे। हम उसे एक बाउल में तोड़ लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, नहीं तो वैसे डायरेक्ट पूरी के पूरी ही भी हम उसे मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं। अब हम इस बिस्किट को मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। हमें एकदम इसका फाइन पाउडर बनाना है। हम इसमें से चॉकलेट जो वाइट वाला है उसे नहीं निकालेंगे, क्रीम इसके लिए, क्योंकि जब क्रीम उसमें रहेगी ना तो उसका फ्लेवर और अच्छा लगेगा। तो हमने एकदम अच्छे से बारीक इसे पीस लिया है। हम इसे छान भी सकते हैं वैसे, मगर ये एकदम अच्छे से पीस गया है तो हमें इसे छानने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह हमारा बिस्किट पीस गया है। अब हम ले लेंगे एक पैन में 1 कटोरी शक्कर डालेंगे हम इसमें, और उसमें हम डालेंगे आधी कटोरी पानी। हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमें इसे बहुत देर तक पकाना पड़ेगा। तो हम 1 कटोरी शक्कर लेंगे तो आधी कटोरी पानी डालेंगे ताकि उसमें शक्कर एकदम अच्छे से घुल जाए। घुलने के बाद वो शक्कर एक तार से कम की चाशनी हम उसमें बना लेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारी चाशनी बनके तैयार होने वाली है। तो हमारी चाशनी अब तैयार हो गई है। यस, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट में ज़रूर बताया करें। अब हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे देसी, ताकि जो चॉकलेट हम बनाएं वो शाइन करें। 2 चम्मच घी डाल देंगे, आप बटर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ये हमारा अब एकदम अच्छे से चाशनी एकदम पक चुकी है, चिपकने लगी है, बिना मतलब तार नहीं है मगर हल्का हल्का एक तार बन रहा है। हमें इसी स्टेज पे इसे अब नहीं पकाना है। अब इसमें हमने जो भी बिस्किट का चूरा किया था वो हमें इसे इसमें ऐड कर देना है। और हम इस टाइम पे एकदम लो फ्लेम रखेंगे, और नहीं तो नीचे एकदम से चपकने लगेगा। अब इसको हम अच्छी तरह से इसके अंदर मिलाएंगे, बहुत अच्छी तरह से इसे हमें एकदम अच्छे से बिना लम्स के मिला देना है, चलाते हुए एकदम अच्छी तरह से। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट में ज़रूर बताया करें। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी देखो बैटर हमारा हो गया है एकदम तैयार, और इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा कोको पाउडर, क्योंकि बहुत ब्लैक नहीं लग रहा था इसलिए हमने सोचा इसको थोड़ा सा ब्राउन और करने के लिए इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर मिला लेते हैं। तो हमने इसमें 1 चम्मच के करीब कोको पाउडर डाला है, उससे और कलर डार्क हो जाएगा, क्योंकि हमारी बिस्किट ज़्यादा डार्क नहीं थी ना इसके लिए। तो हम अब ले लेंगे एक बर्फ़ की ट्रे, आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं इसे जमाने के लिए। तो मैंने बर्फ़ की ट्रे ले ली है, उसमें सब में नीचे घी लगा दिया है। अब इसके अंदर हम बैटर को एकदम अच्छी तरह से भर देंगे। हमें इसे एकदम बहुत गर्म नहीं भरना है, हल्का मतलब ठंडा हो जाए हल्का सा, तब हम इसे मोल्ड में भरेंगे। अच्छी तरह से भर गया है जो इधर उधर लगा हुआ,
जो इधर उधर लगा है उसे हम अच्छी तरह से निकाल देंगे हाथों से, और इसे हम रूम टेम्परेचर पे ही जमने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट 20 मिनट थोड़ी देर में ये हमारी एकदम अच्छे से जम जाती है, मगर हमें इसे जब तक ये अपने से ना निकलने लगे हमें इसे नहीं निकालना। ये देखो एकदम अच्छे से सूख चुकी है और पता चल रही है कि एकदम से ये हमारी जम गई है। हम इसे देखेंगे इसे छू के तो हमें लग रही है कि जम चुकी है। तो अब इसे हम एक तरफ से उंगली से प्रेस करेंगे और उधर तरफ से दबाएंगे तो ये हमारी बहुत आसानी से निकल जाती है, क्योंकि हमने नीचे घी लगाया था ना, इसके लिए ये आसानी से हमारा निकल जाएगा। तो हम इसी तरह से सारी निकाल लेंगे, और आप चाहे तो कोई भी मोल्ड में कोई भी बिस्किट से इसी तरह आप चॉकलेट घर पे बना सकते हैं। तो हमारी चॉकलेट तो बनके तैयार हो गई है, आप भी इसी तरह चॉकलेट बनाएं, अपने बच्चों को घर में परिवार में सबको खिलाएं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और आपको और भी रेसिपीज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी बनाने के लिए। और आपको और भी रेसिपीज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ वीडियो और केक वेक की डाली हुई है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग, बाय।